नमस्कार मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करूंगा आपके साथ में महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ एरियस ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फीस एक्ट 2022 जो रिसेंटली पास हुआ है और एक अप्रैल 2022 से ये लागू हुआ है तो फटाफट देखते हैं दोस्तों कि क्या है इसके अंदर और कैसे इसका फायदा लिया जाए तो इसमें हम पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे फिर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि ये सेटलमेंट स्कीम किसको एप्लीकेबल है क्या वेवर के कंडीशन है पेमेंट के ऑप्शन है कंडीशन फॉर सेटलमेंट रिव्यू ऑफ दर्डर्स फॉर्म्स क्या आए हैं इसके प्रति और क्या इंस्ट्रक्शंस है तो दोस्तों शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से जैसे महाराष्ट्र के अंदर पहले बैठ था एक जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया तो एक जुलाई 2017 से पहले वाले जो भी एरियर्स है जो भी टैक्सेस और इंटरेस्ट है उसके प्रति ये स्कीम लागू हो रही है तो इसमें एप्लीकेंट कौन हो सकता है इसमें एप्लीकेंट रजिस्टर्ड बंदा हो या अनरजिस्टर्ड बंदा हो कोई भी हो सकता है और उसको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस जो भी लेवी हुई है रिलेवेंट एक्ट के अंदर उसकी छूट मिलेगी और रिलेवेंट एक्ट एक्ट टोटल के जो एरियर्स है वो पेमेंट वो इस स्कीम के थ्रू सेटल कर सकता है फिर एरियर्स का यहाँ पर मीनिंग दिया गया है एरियर्स का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी रहेगा वो एज पर स्टेटरी ऑर्डर अगर है कोई वैट के अंदर कोई ऑर्डर पास हुई है बाद में हम अपील में गए हैं तो उसके अंदर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो भी अमाउंट इसमें कवर होती है फिर रिटर्न के अंदर जो भी ड्यूज हमने बताए होंगे वो भी इसमें कवर होते हैं फिर वैट ऑडिट सेवन जीरो फोर में जो लाइबिलिटी हमने रिकमेंड करी थी एज अ ऑडिटर वो भी इसके अंदर कवर होती है फिर जब हम इसको आगे देखते हैं तो रिक्विजिट अमाउंट यानी कौन सा अमाउंट आगे सेटलमेंट के लिए जाएगा तो वो है अनडिस्प्यूटेड टैक्स को उन्होंने एक रिलेवेंट अमाउंट के अंदर लिया है जो हमको पेमेंट करना है फिर डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस और पेनल्टी ये भी डिफाइन किया है जो हम इसमें ले सकते हैं अब रिलेवेंट एक्ट कौन कौन से है तो टोटल कितने एक्ट्स के अंदर ये स्कीम लागू होगी तो सबसे पहले सेट सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट फिर बॉम्बे सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन एक्ट बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट देन महाराष्ट्र परचेज टैक्स ऑन शुगर केन देन महाराष्ट्र टैक्स ऑन प्रोफेशन यानी प्रोफेशन टैक्स महाराष्ट्र से टैक्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज फिर महाराष्ट्र टैक्स ऑन एंट्री ऑफ मोटर व्हीकल्स महाराष्ट्र टैक्स ऑन लग्जरी देन महाराष्ट्र टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स देन एंट्री ऑफ गुड्स इन लोकल एरिया और सबसे मेन है ग्यारहवा महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट टू थाउजेंड टू और इसके साथ साथ में जो रिक्विजिट अमाउंट जो हमने देखी थी और जो ये जो ग्यारह एक्ट है वो उसके अंदर जो भी एरियस रहेगा वो हम इसमें ले सकते हैं अब दोस्तों अनडिसूज ये बहुत बड़ा इसके अंदर काम करेगा क्योंकि अनडिस्प्यूटेड ड्यूज अगर है तो वो हंड्रेड परसेंट पे करने है तो ये कौन से है अगर कई टैक्स कलेक्ट किया होगा तो वो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज में जाएगा रिवाइज रिटर्न के अंदर वो शो किया होगा या रिटर्न में शो किया होगा, तो वो है। अगर कोई अमाउंट क्लेम किया है डीलर ने रूल 57 के हिसाब से तो वो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है कोई अमाउंट फोर फीचर हो रहा है एक्सेस टैक्स कलेक्शन के वजह से तो वो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है जो 704 फाइल हुआ है उसके अंदर जो ऑडिटर ने रिकमेंड किया है पेबल तो ये भी अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है टी अगर कलेक्ट किया है भरा नहीं है तो ये अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है टैक्स कलेक्शन अगर कलेक्ट किया है और भरा नहीं तो ये अनडिस्प्यूटेड डी है ड्यूज है प्रोफेशन टैक्स में अगर कोई कलेक्शन किया है पीटी और पे नहीं किया है तो वो भी अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है तो ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा और अन्य के ऊपर कोई settlement scheme नहीं है 100 undisputed dues pay करने पड़ेंगे अब हम आगे देखते हैं कि disputed tax का क्या मतलब है disputed tax means any other tax than undisputed tax. तो इसके ऊपर होगा अब चलते हैं फटाफट एलिजिबिलिटी के ऊपर तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी कौन ये सेटलमेंट स्कीम को जा सकता है तो सेटलमेंट स्कीम के लिए रजिस्टर्ड बंदा हो अनरजिस्टर्ड बंदा हो वो एप्लीकेशन कर सकता है चाहे उसके डिस्प्यूटेड ड्यूज हो या ना हो और इसका जो बेनिफिट है वो 2016 में अगर किसी ने लिया होगा ऑलरेडी वो भी वापस से जा सकता है 2019 में भी सेटलमेंट स्कीम आई थी उसने अगर लिया होगा तो वो भी फिर से इसमें जा सकता है नेक्स्ट अगर कहीं केस फाइल की है कहीं रिफंड नहीं है पर अगर कोई अमाउंट डिस्प्यूटेड है चाहे वो ट्रिब्यूनल में हो या कोर्ट्स में तो भी हम इसके अंदर जा सकते हैं अब जो भी हमने पेमेंट किया होगा 31 मार्च 2022 के पहले यानी कोई पेमेंट ऑलरेडी किया है उसके अंदर आउटस्टैंडिंग भी है तो वो पहले एडजस्ट होगी कैसे एडजस्ट होगी के अगेंस्ट पहले वो अमाउंट एडजस्ट होगी फिर डिस्प्यूटेड ड्यूज के अगेंस्ट एडजस्ट होगी फिर इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो एडजस्ट होगी फिर पेनल्टी के अगेंस्ट एडजस्ट होगी लेट फीस अगर कोई है तो वो और सबसे मेन अगर एक अप्रैल से लेके तीस सितंबर 2022 के बीच में ये जो स्पेसिफाइड पीरियड है यानी जुलाई सत्रह के पहले का वैट की अगर कोई ऑर्डर आती है तो वो स्टेटूटरी ऑर्डर के हिसाब से भी जो अमाउंट निकलेगा उसके अंगेज भी एडजस्ट होगी तो सिंप्लीफाई करके मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पे बताता हूं सोलह सत्रह की मेरी लाइबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग वो पचास हजार रुपया थी अनडिस्प्यूटेड दो लाख रुपए थी और मैंने ये अमाउंट पे कर दिया था पहले थर्टी मार्च दो के पहले एक लाख रुपया तो ये एडजस्ट होके मेरे एरियर्स के लिए एलिजिबिलिटी हो गई डेढ़ लाख और सत्रह अठारह का अगर मेरा कोई स्टैट्यूटरी ऑर्डर आता है वो जो जीएसटी के पहले का पीरियड था उसका वो अगर सितंबर तक आता है तो ये तीस सितंबर नौ तक मेरे को ये ऑर्डर मिल जाती है तो वो भी अमाउंट मैं यहां पर ले लूंगा तो डेढ़ लाख प्लस पचहत्तर हजार ऐसा मुझे दोनों मिलके मैं सेटलमेंट के लिए जा सकता हूँ फिर आगे हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है कैसे अमाउंट निकालनी है तो दोस्तों इसमें एक अच्छा काम ये किया है गवर्नमेंट ने कि दस हजार के नीचे के जो भी एरियर्स या ड्यूज रहेंगे जो एक अप्रैल के पहले के पीरियड के रहेंगे इन्हें एज ऑन एक अप्रैल 2022 के तो वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा और पोस्ट असेसमेंट इंटरेस्ट भी यहां पर रिटर्न ऑफ ऑफ यानी वेव होगा तो दस हजार के जो नीचे वाले हैं उनको ये राइट ऑफ पूरा मिल जाएगा और पोस्ट असेसमेंट इंटरेस्ट को भी हंड्रेड इसका हम टेबल देखते हैं इसमें दो पीरियड को स्प्लिट किया है बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार पांच के पहले का और बहुत पुराना कोई ड्यूज होगा तो और एक अप्रैल दो हजार पांच से लेके तीस जून दो हजार सत्रह तो जनरली हम इसी का एग्जाम्पल लेंगे अब वन टाइम पेमेंट की भी यहां पर ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट पेमेंट की भी ऑप्शन है तो ये दोनों में से कोई भी पेमेंट का ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं अब अनडिस्प्यूटेड टैक्स अगर है तो मुझे हंड्रेड परसेंट पेमेंट करना है दोस्तों अनडिस्प्यूटेड टैक्स हंड्रेड परसेंट पेमेंट करना है इसमें कोई भी वेवर नहीं अनडिस्प्यूटेड टैक्स अगर है तो मुझे फिफ्टी परसेंट भरना है इंटरेस्ट पेबल है तो मुझे 15 परसेंट भरना है आउटस्टैंडिंग अगर पेनाल्टी है तो 5 परसेंट भरना है पोस्ट असेसमेंट इंटरेस्ट ये पूरा वेव किया गया है लेट फीस अगर है तो 5 परसेंट भरना है तो ऐसा करकर मुझे यहाँ पर छूट मिलने वाली है और अगर मैं इंस्टॉलमेंट में जाता हूं तो यहां पर थोड़ा फिगर चेंज हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्यूटेड टैक्स की फिगर फिफ्टी 56 हो जाएगी यानी सिक्स परसेंट ज्यादा भरना है और एक खास ध्यान रखना है यहाँ पर जिनका दस लाख ,00 के नीचे अगर कोई एरियर्स आती है यानि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ये पूरा मिलके अगर 10 लाख ,00 के नीचे अगर कोई होगा तो वो डायरेक्ट 20 परसेंट भर सकता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट छूट दी गई है तो ये और वर्ड है यानी एक तो One से लेके सिक्स के हिसाब से लाइबिलिटी निकालो फिर सेवन के हिसाब से ट्वेंटी परसेंट निकालो और लो रहेगी वो आप अवेल कर सकते हो पर यहाँ पर वन टाइम पेमेंट वालों के लिए ही ट्वेंटी परसेंट है इंस्टॉलमेंट हम ट्वेंटी परसेंट के लिए नहीं ले सकते तो ये मैं सिंपलीफाई करके बताता हूँ विद द एग्जाम्पल एक अप्रैल दो को मेरे ढाई लाख की डिस्प्यूटेड ड्यूज थे तो क्या होगा तो डिस्प्यूटेड ड्यू ढाई लाख उसके ऊपर मैंने पहला one to five points के के हिसाब हिसाब से 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 निकाला से, तो 50%, तो उसके अंदर एक आई फिर मैंने 18 से लिया अप्रैल दो लाख पच्चीस हजार आया तो उसके फिफ्टीन परसेंट यहाँ पर मैं पे करूंगा वो थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी हुआ देन पेनल्टी ढाई लाख के ऊपर लाख लिया हो तो फाइव परसेंट हुआ तो 12,500 पेनल्टी अब मैं ये देखूंगा कि 50%, परसेंट फिफ्टीन परसेंट फाइव परसेंट के हिसाब से वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड टू फिफ्टी पेबल आ रहा है और अगर मैं ये सातवें पॉइंट में जाता हूं क्योंकि दस लाख के नीचे है मेरी टोटल यहां पर मेरी सात लाख पच्चीस हजार ही है तो उसके डायरेक्ट ट्वेंटी परसेंट करूंगा वन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड पेबल आता है तो ये हिसाब से मैं डायरेक्ट ट्वेंटी परसेंट में जा सकता हूं तो जिनका जिनका दस लाख के नीचे ड्यूज है उनको ये टेबल के हिसाब से कैलकुलेशन करके ये स्कीम को अवेल करना चाहिए अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड्स ऑफ पेमेंट इसके अंदर दो मेथड दिए गए हैं एक वन टाइम पेमेंट और एक है इंस्टॉलमेंट पेमेंट चलन भरना है एम टी आर सिक्स और ये दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं मेथड जहां पर थर्टी मार्च के पहले का अगर कोई भी है तो वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद में अगर कोई हमने कम ज्यादा पैसे भरे एट द एंड ऑफ द स्कीम तो प्रपोर्शनेटली हमको ये डिस्पूटेड टैक्स इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा तो ये एक अच्छा कंडीशन यहां पर लिया है फिर अगर 50 लाख के ऊपर के अगर ड्यूज है तो वन टाइम पेमेंट का भी ऑप्शन है और इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है तो इंस्टॉलमेंट के अंदर हमको उसका बेनिफिट मिल सकता है और ये इंस्टॉलमेंट के अंदर 25 परसेंट पहले भरना है और फिर थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट में भरना है बचा हुआ पचहत्तर टक्का अमाउंट साल भर के अंदर यानी पूरे साल भर में चार इंस्टॉलमेंट में भर देना है पहले पच्चीस टक्का और बचा हुआ नौ महीने में ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट करके हंड्रेड परसेंट हम पे कर सकते हैं और अगर लेट पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट भी यहां पर लगेगा अब आते हैं हम कुछ प्रमुख कंडीशन पे सेटलमेंट की वो ये है जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे होने वाली है वो है कि अपील फुल्ली और अनकंडीशनली विद्रॉ करनी पड़ेगी तो दोस्तों अगर किसी के अपील के अंदर कोई तीन चार मुद्दे हैं और एक मुद्दे के लिए मुझे सेटलमेंट में जाना है तो वैसा नहीं होगा पूरा के पूरा अपील फुल्ली और अनकंडीशनली विद्रॉ करना पड़ेगा देन जो भी एक्सेस सेट ऑफ़ वगैरह लिया है अगर वो एडजस्ट हो रहा है सीएसटी के लाइबिलिटी के आगे तो सीएसटी की भी हमको वो अपील विद्रॉ करनी पड़ेगी यानी वैट और सीएसटी के दोनों के अपील विड्रॉ करना पड़ेगा अगर उसका इफेक्ट वहां पर भी जा रहा है तो फिर ये जो एप्लीकेशन है वो हमको फॉर्म भरने हैं फॉर्म भी हम देखेंगे ये इशू हो गए हैं, ऑनलाइन भी आने वाले हैं, तो स्टेट्यूटरी ऑर्डर्स के हिसाब से रिटर्न के हिसाब से ऑडिट के हिसाब से जो लायबिलिटी है वो अलग से आएगी फिर इंटरेस्ट पेनल्टी फीस का अलग से भरना है और ये जो भी पेमेंट्स है उसके अंदर थर्टी डेज का कंडोनेशन ऑफ डिले वगैरह ये रीजनेबल कॉस्ट के साथ में जाएगा एक रिटर्न के लिए एक एप्लीकेशन भी दे सकते हो या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो तो अगर दो फाइनेंशियल ईयर है तो दो एप्लीकेशन करने पड़ेंगे तो पूरा एक सिंगल एप्लीकेशन एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम कर सकते हैं अब नेक्स्ट जो भी ऑर्डर सेटलमेंट की इश्यू होगी वो तीन महीने के अंदर वो अथॉरिटी ने हमको इश्यू करना है जब हमने पेमेंट वेमेंट कर दिया सब कर दिया उसके बाद फिर ये जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट अपील भी हो सकता है तो वो हम फाइल कर सकते हैं अपील अगर हमको वो सेटलमेंट की ऑर्डर अगर पसंद नहीं है उसमें कुछ इश्यूज है तो इसको रिव्यू भी हो सकता है ऑर्डर सब्जेक्ट टू कि 12 महीने के अंदर ये रिव्यू हो सकता है और अगर रीओपन करना है तो सी ने अगर कोई प्रोसीडिंग्स है कुछ उन्होंने अगर कोई फाइंडिंग्स दिए है जब डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है तो सी ने अगर कोई फाइंडिंग फाइंडिंग्स निकाली है तो ही ये रीओपन होगा फिर रिवोकेशन की ऑर्डर भी इसमें दो साल के अंदर पास हो सकती है अगर ये मालूम पड़ा कि गलत तरीके से सेटलमेंट अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं ये महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट के साइट के ऊपर हमको मिल जाएगा और फॉर्म आई यहां पर है अगर स्टेटरी ऑर्डर के हिसाब से हम सेटलमेंट में जाना चाहते हैं नंबर का फॉर्म है अगर हम रिटर्न और ऑडिटर के ड्यू के हिसाब से जाएंगे फॉर्म टू है ये विड्रॉल ऑफ अपील का है फॉर्म थ्री है ये ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट एंड रिजेक्शन का है फॉर्म फोर है ये रेक्टिफिकेशन का है फॉर्म फाइव है एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन फॉर्म सिक्स नोटिस फॉर रिव्यू फॉर्म सेवन फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स अंडर इंस्टॉलमेंट फॉर्म एट है नोटिस फॉर रिवोकेशन और ये साइट के ऊपर अवेलेबल भी है मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं डिजिग्नेटेड अथॉरिटीज को कि वो ये जैसे ही एप्लीकेशन आ जाए उसको वेरीफाई करे और फटाफट आगे डिस्पोजल करे तो ये भी साइट के ऊपर अवेलेबल है तो आखिर में हम देखते हैं हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी इसमें अनडिस्प्यूटेड टैक्सी डेफिनेशन हमको याद रखनी है इलिजिबिलिटी के लिए आपको वो 11 एक्ट्स की एलिजिबिलिटी है जिसमें सी एस टी वैट ये सारा आया है पीटी को भी हम जा सकते हैं वेवर के कुछ कंडीशन हमने देख लिए कि कैसे हमको 10 लाख ,00 के नीचे अगर है तो 20 परसेंट का भी बेनिफिट मिल सकता है फिर वन टाइम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स का भी यहाँ पर दिया है कंडीशन ऑफ सेटलमेंट्स यानी अपील्स वगैरह फाइल की होगी तो वो विड्रॉ करनी पड़ेगी और अगर ये सेटलमेंट ऑर्डर में कुछ इश्यू है तो ये रिव्यू भी हो सकते हैं फॉर्म्स हमने दे दे लिए और इंस्ट्रक्शन भी है तो दोस्तों ये ऐसा ये सेटलमेंट का स्कीम आया है सितंबर तक ये चलेगा तो इन बिटवीन अगर और भी कुछ अपडेट्स आते हैं तो वो मैं आपको दूंगा तो देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल और आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे मैसेज भेज सकते हो नाइन एट टू टू जीरो सेवन डबल नाइन डबल जीरो के ऊपर थैंक यू